The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aadshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. गुड मॉर्निंग क्लास, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और जितने भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सब अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर्स में हमने इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करने की कोशिश की थी और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझा था कि स्कार्सिटी क्या होती है, स्कार्सिटी क्यों होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। आज की इस क्लास में हम जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डील करेंगे, यानी कि हम समझने की कोशिश करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है वो क्या होती है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस विच डील्स, जो हमको ये बताता है कि सोसाइटी अपने जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेस है, जो अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस है, जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, उनका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उनका यूज करके किस तरीके से प्रोडक्शन करेगी। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझा दिया था कि प्रोडक्शन क्या होता है, कि हम कुछ इनपुट का यूज करते हैं और हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से जो इनपुट होता है उसको एक आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि रॉ मटेरियल होता है हमारे पास और रॉ मटेरियल से हम कहां पहुंच जाते हैं, फिनिश्ड गुड पर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि जो इकोनॉमी होती है उसकी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है। सेंट्रल का क्या मतलब है कि जो एक इकोनॉमी है, जैसे कि ये एक सर्किल है, इसके सेंटर में क्या है। सेंटर यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक, यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो हमको ये पता लगाना है कि किसी भी इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है बेटा, व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, हमको ये समझना है। और जब हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस द वन थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज हाउ टू टैकल दीज प्रॉब्लम्स। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स है क्या, यानी कि किसी भी इकोनॉमी की समस्याएं क्या हैं, और फिर हम ये समझेंगे कि इन समस्याओं से कैसे डील करना है। तो जब हम बात करते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, तो जनरली थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। तीन सेंट्रल प्रॉब्लम होती है किसी भी इकोनॉमी की, और ये तीन सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है वो होती है व्हाट टू प्रोड्यूस। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम होती है हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरी प्रॉब्लम होती है फॉर हूम टू प्रोड्यूस। ठीक है, What to produce, how to produce, for whom to produce, यानी कि जो production मैंने अभी आपको बताया, जो central problems है वो production से related है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्यों production से related है, क्योंकि हमारे पास limited resources हैं और जो limited resources हैं उनका use करके हम produce कर रहे हैं। तो जो हमारी सबसे पहली problem है what to produce, इसका क्या मतलब है व्हाट टू प्रोड्यूस का, यानी कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, हमारे पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उसमें से हमको डिसाइड करना है कि हमको कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है। अगर हम एक्स प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो वाई से कम हो जाएंगे, अगर हम वाई प्रोड्यूस करेंगे तो हम एक्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। यानी कि सिंपल भाषा में बात करूं, ये हमारा एक पाई है, या फिर कहिए कि हमारे पास कोई भी एक रिसोर्सेस 100% है। अब इस 100% में से लेट्स से हमको दो गुड बनाने हैं, एक गुड एक्स बनाना है, एक गुड वाई बनाना है। अगर हम सारे रिसोर्सेस एक्स को दे देंगे
तो वाई के लिए रिसोर्सेस नहीं बचेंगे, अगर हम सारे रिसोर्सेस वाई को दे देंगे तो एक्स के लिए रिसोर्सेस नहीं बचेंगे। तो हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि हमको क्या प्रोड्यूस करना है। जैसे कि अगर वॉर चल रहा है तो उस टाइम पे हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, वॉर रिलेटेड गुड्स। ठीक, अब जैसे कि कोरोना आया तो कोरोना में क्या हुआ, मास्क बहुत ज्यादा बनाए, मास्क का प्रोडक्शन हुआ, सैनिटाइजर का प्रोडक्शन हुआ। सैनिटाइजर के प्रोडक्शन के साथ साथ जो कोरोना की टेस्टिंग किट थी उसका प्रोडक्शन हुआ, जो वैक्सीन थी उसका प्रोडक्शन हुआ। अब आप मुझे एक बात बताइए कि कोरोना का काल चल रहा है, लोग बीमारी से मर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमको कोरोना को टैकल करने के लिए चीजें बनाना जरूरी था, उन चीजों का प्रोडक्शन करना जरूरी था जो कोरोना को टैकल कर सके, या फिर हमको वो चीजें टैकल करनी चाहिए थी, वो चीजें बनानी चाहिए थी जो हमको लेट्स से डेवलपमेंट की तरफ आगे लेकर जाए। सबसे पहले तो हमको जान बचानी थी ना, हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होती है, जान बचाना। तो बेसिकली अगर मैं वॉट टू प्रोड्यूस की बात करूं तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि वॉट टू प्रोड्यूस जो है वो करेक्ट प्रायोरिटाइजेशन का खेल है। देखिए लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हम क्या करते हैं कि हम करेक्ट प्रायोरिटाइजेशन करते हैं, यानी कि आज मेरी नीड क्या है मैं उस हिसाब से डिसाइड करूंगा कि मुझे आज क्या प्रोड्यूस करना है, यानी कि इकोनॉमी टाइम टू टाइम चेंजिंग नीड के हिसाब से खुद को अडाप्ट करती है और ये समझने की कोशिश करती है कि इकोनॉमी में फिलहाल नीड क्या है और मैं अपना प्रोडक्शन उसी हिसाब से करूं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो पहले कैसेट आते थे गोल गोल, जिसके अंदर एक ब्राउन कलर की रील लगी होती थी। क्या आज इकोनॉमी में कहीं भी उसका प्रोडक्शन होता है? आई डोंट थिंक सो कि उसका प्रोडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि कैसेट की जगह पहले वीसीआर ने ली, फिर डीवीडी ने ली, अब तो सब कुछ लैपटॉप में चल जाता है, पेन ड्राइव में आप कितना भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ओवर द टाइम जैसे जैसे चीजें इवोल्व होती गई, जैसे जैसे चीजें हमने इवोल्व की, उस इवोल्यूशन के साथ व्हाट वी डिड बेटा, उस इवोल्यूशन के साथ में जितनी भी ऐसी चीजें थी जो अब डिमांड में नहीं है उनको लोगों ने प्रोड्यूस करना बंद कर दिया। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या है कि हमको क्या करना है, अलोकेशन करना है। ठीक है, जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उनको अलोकेट करना है। अलोकेट कैसे करना है? अलोकेट करना है डिफरेंट डिफरेंट गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, यानी कि अलोकेशन करना है हमको अपने प्रोडक्टिव रिसोर्सेज के लिए। और हम अलोकेशन कैसे करेंगे कि हमें आज किस चीज का रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज आवर प्रायोरिटी, वो हमको डिसाइड करना है। जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमको क्या प्रोड्यूस करना है, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा आता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस करें कैसे, ये तो हमें समझ में आ गया कि व्हाट टू प्रोड्यूस, लेकिन हाउ टू प्रोड्यूस, कोई भी चीज प्रोड्यूस कैसे करनी है वो समझ में आ गई है, लेकिन प्रोड्यूस एक्चुअल में कैसे करेंगे, मैम आप ये तो बताइए, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब देखिए प्रोडक्शन करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं जिसको हम ब्रॉडली दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, दूसरा लेबर इंटेंसिव। आप देखिए बहुत उम्दा बात मैं आपको बताती हूं। मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तो जनरली जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो चार होते हैं, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। जब लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज होते हैं तो लैंड जनरली फिक्स होती है, लैंड को हम वेरिएबल में नहीं बना सकते। कैपिटल और लेबर जो होता है इनका हमें एक फिक्स्ड कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, यानी कि एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हमको सर्टेन कैपिटल चाहिए, सर्टेन लेबर चाहिए। बिल्कुल सही बात है मैम, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सब यही कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये आती है कि हम सेम काम को डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट फैक्टर के साथ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि लेट्स से मेरे को कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर और लेबर इंटेंसिव सेक्टर की बात अगर हम करते हैं, तो लेट्स से मेरे को 100 शर्ट्स बनानी है, मेरे को 100 शर्ट्स बनानी है, और ये जो 100 शर्ट्स है ना, इसको बनाने के क्या तरीके हो सकते हैं? इसको बनाने के तरीके हो सकते हैं कि हम लेट्स से 20 कारीगर को हायर करें, कारीगर यानी कि आर्टिजन्स, और सबसे बोले कि आप हमें 5-5 शर्ट बना के दो, जिसमें कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो कैपिटल है उसका खर्चा बहुत कम आएगा।
लेट्स से हमने बोला कि आप जो चरखा है हैंड वूवन शर्ट दो, ठीक। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि कैपिटल बहुत कम यूज हो रहा है, लेबर जो है वो हमारा 20 यूज हो रहा है। सेम वे 100 शर्ट्स को बनाने का एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि मैं एक मशीन लगाऊं और उस एक मशीन पे लेट्स से दो लाइनमैन रखूं या दो ऑपरेटर रखूं और वो दो ऑपरेटर शो शर्ट्स बना दें। तो डिड यू सी द डिफरेंस, आउटपुट तो मेरा 100 शर्ट ही निकल के आ रहा है ना, आउटपुट तो मेरा 100 शर्ट ही है। यहां पे भी 100 शर्ट बन रही है, यहां पे भी 100 शर्ट बन रही है, लेकिन यहां पे 20 लेबर को मैं एम्प्लॉयमेंट दे रही हूं, 20 × 500। यहां पे मैं कितने को एम्प्लॉयमेंट दे रही हूं, दो लाइनमैन को, दो लोग जो एक मशीन को हैंडल करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लाइन को हैंडल करेंगे, वो 100 शर्ट बनाएंगे। तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि ये वाली जो फर्स्ट टेक्निक जो मैंने बताई जिसमें हम हाथ से बना रहे हैं, दैट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक? क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकती हूँ कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक है? इसमें हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है कि कंपैरेटिवली हम लेबर का ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। लेबर और कैपिटल हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में यूज होगा, लेकिन जो हम रिलेटिव सेंस की बात करेंगे, जब हम कंपैरेटिव सेंस की बात करेंगे, तब हमारा डिसाइड होगा कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव। अगर हम कंपैरेटिवली लेबर का ज्यादा यूज कर रहे हैं तो लेबर इंटेंसिव होगा, अगर हम कंपैरेटिवली कैपिटल का ज्यादा यूज कर रहे हैं तो कैपिटल इंटेंसिव होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 20 लेबर यूज कर रही हूँ सेम काम के लिए, जो कि दो लेबर से हो सकता है, तो मैं कौन से प्रोडक्शन को यूज कर रही हूँ, लेबर इंटेंसिव को। सेम वे अगर मैं कैपिटल इंटेंसिव की बात कर रही हूँ, ठीक है, वन मशीन टू ऑपरेटर्स 100 शर्ट्स, तो यहाँ पे मैं कैपिटल इंटेंसिव की बात कर रही हूँ। इसमें क्या होगा कि जो फैक्ट्री का ओनर होगा, जो फैक्ट्री का मालिक होगा, वो एक बार कुछ पैसे खर्च कर देगा, एक मशीन लगा देगा, एक कैपिटल पे पैसे खर्च हो गए, फर्नीचर फिक्स्चर पे पैसे खर्च हो गए। अब आपको क्या करना है, अब आपके तीन लोगों को हायर करना है, दो लोगों को हायर करना है, एंड नाउ दे विल प्रोड्यूस द सेम आउटपुट ऑफ द शर्ट, ठीक है। तो कैसे हमको प्रोडक्शन करना है, वॉट टू प्रोड्यूस के बाद जो सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि भाई प्रोड्यूस करना कैसे, क्या प्रोड्यूस करना है, वो हमने यहां पे डिसाइड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप पे हम चले हाउ टू प्रोड्यूस। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज में डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि इंडिया, इंडिया में आप लोग जानते हैं एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा चीप लेबर अवेलेबल होती है। तो इंडिया में ये माना जाता है कि जनरली इंडिया में आपको क्या करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज करना चाहिए। सेम वे अगर हम कैपिटल इंटेंसिव की बात करें, कैपिटल इंटेंसिव में आपको क्या करना चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव में आपको जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जिनके पास में एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, जहां पे लोग अनएम्प्लॉयड नहीं है, जहां पे स्किल लेबर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, वहां पे आपको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना चाहिए। जैसे कि अभी बहुत ज्यादा एक डिबेट चल रहा है, जो पुराने इकोनॉमिस्ट थे, सॉरी जो इकोनॉमिस्ट है रघुराम जी राजन, जी राजन ने क्या बोला है बेटा, जी राजन सर ने बोला है कि ये जो हम सेमी कंडक्टर पे फोकस कर रहे हैं ना, सेमी कंडक्टर जो है वो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा कैपिटल एम्प्लॉय करेंगे, और ये कोई भी कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर जो होता है वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट इतना नहीं दे पाता है, क्योंकि ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट इतना नहीं दे पाएगा, इसीलिए हमारी बहुत ज्यादा नीड जो है कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो पीक पर है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, हमको सेमीकंडक्टर को किसी और ऐसी इंडस्ट्री से रिप्लेस करना चाहिए जो कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ये जो डिबेट है ये हमेशा चलती रहती है, और ये आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जनरली जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और महानोबिस मॉडल ऑफ ग्रोथ को अडॉप्ट किया गया, तो महानोबिस मॉडल ऑफ ग्रोथ में कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया, यानी कि बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज लगाई गई। अब जब ऐसी इंडस्ट्रीज लगती है तो वो थोड़ा एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट करती हैं, तो इसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी नीडेड एट दैट टाइम कि हम क्या करें कि हम क्या करें एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक एम्प्लॉयमेंट दें लोगों को, एम्प्लॉयमेंट देंगे लोगों के पास पैसा आएगा, गरीबी कम होगी, इकोनॉमी में डिमांड जनरेट होगी, ठीक है। फैक्टर इनपुट का समझ में आया, रिलेटिविटी का समझ में आया, रिलेटिव प्राइस एफिशिएंसी, हर चीज को कंपेयर करना होता है। अब यह है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस जो मैं बात कर रही हूँ, फॉर होम टू प्रोड्यूस से क्या मतलब है, ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस क्या है,
कि मैम व्हाट डू यू मीन बाय फॉर होम टू प्रोड्यूस। देखिए सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ, बहुत सिंपल सी बात। अगर मैंने किसी भी चीज का प्रोडक्शन किया है तो घर में रखने के लिए तो किया नहीं है। इंडस्ट्री ने अगर किसी भी चीज को प्रोड्यूस किया है तो अपने गोडाउन में रखने के लिए तो किया नहीं है। अल्टीमेटली टारगेट क्या है? कंज्यूमर को ढूंढना, उसको सेल आउट करना। व्हाट इज द अल्टीमेट टारगेट ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन? इज टू यूज देम, इज टू सेल देम, इज टू फाइंड कस्टमर्स फॉर देम, राइट? तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट देम। ठीक है, किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है? वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग द डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड्स। इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और इसका सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है इंडिविजुअल और हाउस होल्ड के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने का, कि कई बार जो फैक्टर इनकम्स होती है ना वो भी वापस जाती हैं। तो ये बाकी सब डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है कि किसी भी इकोनॉमी में, लेट्स जस्ट समराइज व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। देखिए किसी भी इकोनॉमी में तीन तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। सेंट्रल प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम जो होती है वो तीन तरीके की होती है। जो प्रॉब्लम होती है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि हम प्रोड्यूस क्या करें, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड हैं। हम सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो हमको एक प्रायोरिटाइजेशन करना होता है। हम जब अपने प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का लोकेशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस कि अभी हमारी इकोनॉमी की नीड क्या है, अभी हमें क्या प्रोड्यूस करना है, इस हिसाब से हम प्रोडक्शन करते हैं। आफ्टर दैट वी हैव टू डिसाइड, हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमको क्या प्रोड्यूस करना है, हमको कौन सी टेक्निक से प्रोड्यूस करना है, हमको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से यूज करना है या लेबर इंटेंसिव टेक्निक से यूज करना है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसमें हम रिलेटिवली ज्यादा कैपिटल का यूज करते हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जिसमें हम रिलेटिवली ज्यादा लेबर का यूज करते हैं, ज्यादा लोगों का यूज करते हैं। एंड देन द थर्ड प्रॉब्लम इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, हमको प्रोडक्शन करना किसके लिए है? अगर मैं कोई भी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर रही हूँ, इसका अल्टीमेट मतलब यह है कि ये कंज्यूमर के बीच में जाएगा एंड वी हैव टू सेल दैट आउट। दैट्स द बेसिक बेसिक रीजन बिहाइंड एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। फॉर होम टू प्रोड्यूस से मतलब यह है कि मेरे को किस लोगों के लिए प्रोड्यूस करना है, मेरे को रिच सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करना है, मेरे को पुअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करना है, मेरे को एक ऐसा गुड प्रोड्यूस करना है जिसकी यूटिलिटी हर सेक्शन को जाए या फिर केवल एफ्लुएंट लोगों तक जाए, या फिर जो मैं अपना गुड्स प्रोड्यूस कर रही हूँ क्या वो कंज्यूमर गुड होगा, क्या वो कैपिटल गुड होगा, उसको एक कॉमन आदमी यूज कर पाएगा या उसको केवल एक इंडस्ट्रियलिस्ट यूज कर पाएगा। तो इस तरीके से हमको डिसाइड करना होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। आई होप दीज थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी विल बी क्लियर। इन तीन सेंटर्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी पे हम सारे कॉन्सेप्ट्स को बेस करने वाले हैं। अब देखिए हम ये समझते हैं, जब मैंने आपको डेफिनेशन समझाई थी सबसे पहले लेक्चर में, दैट इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस। मैंने क्या बताया था, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस जो कि क्या डिसाइड करती है, जो ये डिसाइड करती है, जिसमें सोसाइटी डिसाइड करती है कि अपने डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी में किस तरीके से प्रोडक्शन कैपेसिटी को डिसाइड करना है। सेंट्रल प्रॉब्लम, प्रोडक्शन कैपेसिटी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, प्रोडक्शन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो बेसिकली दीज थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो टेक्निक है दैट इज इकोनॉमिक्स। व्हाई वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस टू सॉल्व दीज थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इससे इकोनॉमिक्स की कौन कौन से डिफरेंट ब्रांचेस निकल कर आती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊँ वो जल्द से जल्द आपको मिले।